ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देकर हासिल हो। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी बहुत बेहतरीन जवाब है। जब नियत में खोट आ जाए तो फिर ये तीनों चीजें रास्ता बदल लेती हैं, माल, रिस्क, मोहब्बत। गुस्सा एक भड़कती हुई आग है, जो पी गया इसने आग बुझा दी और जो जब्त ना कर सका इसमें जल गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। दौलत की असल खूबी ये है कि वो इंसान के पास हमेशा नहीं रहती, अगर रह जाए तो इंसान नहीं रहता। अकलमंद बनना छोड़ दो, बहुत कुछ सीख जाओगे। बुरा आदमी किसी के लिए भी अपने दिल में इज्जत नहीं रखता, क्योंकि वो हर किसी को अपना जैसा ही समझता है। जल्दबाजी हमाकत है और ये इंसान की बदतरीन कमजोरी है। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। मुलाजिम से राज कहना इसे मुलाजिम से मालिक बना लेना है। इंसान की जितनी हिम्मत हो इसकी इतनी ही कदरों कीमत होती है। जिस्मानी इमराज परहेज से जाते हैं और रूहानी इमराज परहेजगारी से। अपने आप को इज्जत दोगे तो दूसरे आपका एहतराम करेंगे। कदर करनी है तो जिंदगी में करो, चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। जो नाकाबले बर्दाश्त हो इसे बर्दाश्त करना हकीकी बर्दाश्त है। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना बेहतरीन तरबियत की दलील है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करो। अपना ख्याल भी अहम है, लेकिन सबसे अहम ख्याल किसका है जिसने तुझे साहिब ख्याल बनाया। मोमिन की राहत किस में है, अगर गफलत में हो गई हो तो सजदे में, अगर गुनाह हो गया हो तो तौबा में।